तो एक तरफ घणा एवा विस्तारों छे ज्यां परिस्थिति विकट बनी रही छे, बीजी तरफ एनडीआरएफ नी टीम जे छे ते सराहनीय कामगीरी करी रही छे। राज्य में एनडीआरएफ नी प्रशंसनीय कामगीरी सामे आवी छे। कोई पण परिस्थिति होय अत्यार सुधी आ टीमे 573 लोकोनुं स्थळांतर कर्युं छे। राज्य में कुल 16 टीमो अत्यारे तैनात कराई छे। फोन लाइन पर पीआरओ रणदीप मिश्रा जोड़ाई गया है, तेओ साथे बात करिए। जी मिश्रा जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। जिस तरीके के अभी ये हालात देखे जा रहे हैं गुजरात में, जहां ज्यादातर बारिश हो रही है, वहां की अगर आप बात करें तो किस तरह से हो रही है पूरी कामगिरी? थैंक यू। और क्या है कि एनडीआरएफ ने अपनी पूरी तैयारी के साथ 16 टीमों को डिप्लॉयड किया है पूरे ऑल ओवर गुजरात में, जिसमें 8 टीमें सौराष्ट्र रीजन में है, 4 टीम साउथ गुजरात में है और अदर प्लेसेस पर 4 टीमें लाइक बनासकांठा, महिसागर, पंचमहल और अरावली डिस्ट्रिक्ट में। और हमने 4 टीमें और ऑन दी ऑन एट रिजर्व भी रखी है। और जो बारिश कंटिन्यू हुआ है इस बार, क्या पहले से तैयारी हम लोगों की प्री मानसून हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक अच्छा असेसमेंट किया था, जिससे कि हम लोग टाइमली रिस्पॉन्ड किए और काफी लोगों को हमने टाइमली इवैक्यूएट कर लिया। लाइक हमने 573 इवैक्यूएशन किए हैं, जिसमें आज मॉर्निंग में भी एक 102 ईयर के ओल्ड मैन को हम लोगों ने रेस्क्यू किया और 4 डेड बॉडी को भी हमने रिट्रीव किया है। और साथ साथ हम लोग लाइव स्टॉक को भी, जानवरों को भी हम लोग इवैक्यूएशन कर रहे हैं, उन पर भी उतना ही फोकस कर रहे हैं। हम लोगों ने 32 बोट्स डिप्लॉय किए हैं सर, तो हम लोग काफी अच्छी तैयारी और जो कम्युनिटी का है, जो जो सोसाइटी है उनके लिए हाइजीन सैनिटेशन के बारे में भी लगातार उनके अवेयर कर रहे हैं, जैसे वाटर प्योरीफायर पैकेट्स वगैरह हम लोग दे रहे हैं ताकि मतलब पानी वगैरह वो साफ पानी उनको मिल सके। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है और कोई इसमें हैवॉक क्रिएट होने की जरूरत नहीं है। टाइमली हर जगह टीम पहुंच रही है और टाइमली हम उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का भी काफी अच्छा असेसमेंट है, काफी अच्छा कोऑपरेशन है। सर, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के जिस तरीके के हालात अभी देखे जा रहे हैं, ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे अभी भी आपकी टीम को जाने में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, हमारी टीम को शुरू में आज अर्ली आवर में कुछ प्रॉब्लम था, बट हमारी टीम जो है अपना मैनुअली या फिर बोट के थ्रू हम लोगों ने सभी जगह को एक्सेस कर लिया है। कोई भी जगह अछूता नहीं है जहां मेरी टीम पहुंची नहीं है। लाइक गिर सोमनाथ के एरिया में कल से ही चल रहा है, तो हमारी टीम अभी ऑलमोस्ट सभी जगह पे पहुंच गई है और उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया है और अभी कर भी रही है। तो इसमें ऐसी कोई परेशान होने का ऐसा कोई हैवॉक क्रिएशन नहीं है पूरे स्टेट में। और अगर हालात अगर अभी भी इस तरीके की बारिश होती रही और हालात बिगड़ते गए तो और कितनी टीमें रेडी रखी गई है? हमारे पास 4 टीमें हमने रेडी रखी है, कुछ हमने गुजरात, कुछ हमने पुणे से भी टीम मंगाई है। और हमारे कमांडेंट श्री आरएस जून है, जिनके अंडर सुपरविजन में ये पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है। और हम लोग 24/7 वाच रख रहे हैं, कहाँ कैसे थोड़े से भी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिशन से पता चलता है प्लस हमारे अपने सोर्सेस हैं कि कोई व्यक्ति ट्रैप्ड है, इवन लाइव एनिमल्स भी यदि ट्रैप्ड है तो बी एम्फेसिस एनडीआरएफ एम्फेसिस एंड दी ह्यूमन बींग लाइक सो हम लोग उसको कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद सर सारी बातचीत के लिए। तो आहता पीआरओ रंजीत मिश्रा एनडीआरएफ ना, तेओ कहू के हजी पण बाहर थी जो जरूरियात हशे तो बोलावामां आवशे एनडीआरएफ नी टीम। अत्यार तो 16 जेटली टीमो तहेनात छे, 573 लोकोनुं एनडीआरएफ नी टीमोए स्थळांतर कर्युं छे। कुल 16 टीमो अत्यारे तहेनात छे, जो जरूर पड़शे वधारे परिस्थिति बगड़शे तो वधु एक 4 एक टीम छे जे तहेनात अने बिल्कुल तैयारीनी पोझिशनमां छे।